हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज अपन जानेंगे दोस्तों ग्राइप वाटर के बारे में, जो कि शिशुओं के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसका जो इस्तेमाल है तब किया जाता है जब बच्चों को दांत निकलते समय पेट में दिक्कत होती है, या पेट दर्द करता है, या कब्ज की शिकायत हो जाती है, तब इस दवा का यूज़ किया जाता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। पहले इसकी पैकिंग देख लेते हैं। देखिए इसकी पैकिंग, इसको जो है डाबर कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसकी जो MRP है वो देख लीजिए, 40 रुपये इसकी MRP है। और इसमें जो लिक्विड है वो 125 ml है, और इसकी जो सिरप है वो भी देख लीजिए, इसमें जो लिक्विड निकलता है वो, ये इसका लिक्विड है। और ये सभी दवा दुकानों पर आसानी से मिल जाता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। यह जो दवा है एक प्रकार की आयुर्वेदिक दवा है, जो कि मुख्य रूप से शिशुओं के कोलिक लक्षण को दूर करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। अब कोलिक लक्षण जो है, बच्चों को जब दांत निकलते हैं उस समय बच्चों का पेट खराब हो जाता है, या फिर कब्ज ज़्यादा बनती है, या फिर इंडाइजेशन हो जाता है, इसको कोलिक लक्षण कहा जाता है। और बच्चों को होने वाली गैस की समस्या में, और शिशुओं को होने वाली पाचन क्रिया की समस्या में, और शिशुओं में जो है पाचन क्रिया को बेहतर करके उनको आराम देने का भी काम करता है, और गैस की समस्या के साथ साथ यह जो है पेट की अन्य समस्याओं को राहत दिलाने का भी काम करता है। और यह जो दवा है, बच्चों को जो है शिशुओं को दांत निकलते समय पेट दर्द हो रहा हो, या फिर पेट के अन्य तकलीफ हो रही हो, तो उससे राहत दिलाने का ये काम करती है। अब जानते हैं इसमें जो औषधि मिली हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं, या इसमें जो जड़ी बूटी मिली हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है। इसमें जो पहली औषधि है वो है सारजी कक्षरा। यह जो है शिशुओं के पेट दर्द को, शिशुओं के आंत्रशूल को ठीक करने का काम करती है। अब जानते हैं जो अगली है वो है सोया। सोया जो है इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। यह जो है शिशुओं के शरीर को जो है स्वस्थ रखने का काम करती है, और यह जो है हड्डी को भी मजबूत करती है। अब जो अगली है वो है सतावा। सतावा जो है पेट की तकलीफ़ों को दूर करने का काम करती है। जैसे कि पेट में अगर ऐठन हो रही हो तो इसको ठीक करती है, अगर आपच हो गया हो या इंडाइजेशन हो गया हो तो इसको भी ठीक करती है, और अम्लता के लक्षण को भी ठीक करने का काम करती है। अब जो अगली औषधि है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो अगली है एंथम ग्रेवियोलेनस। यह जो है पेट के रोग को ठीक करने का काम करती है। अगर पेट में किसी प्रकार का रोग हो गया हो बच्चों को तो इसको ठीक करने का काम करती है। अब जानते हैं अगली औषधि के बारे में। जो नेक्स्ट है वो है दिल तेल। यह जो है सूजन को कम करने का काम करती है, और सूक्ष्म जीवों को भी मारने का काम करती है। तो ये थी इसकी औषधियाँ। आप जानते हैं इसका उपयोग कब करना चाहिए। इसका जो पहला उपयोग है वो है पाचन तंत्र के रोग में इसका उपयोग किया जा सकता है, या फिर पेट संबंधी समस्याओं में इसका उपयोग किया जा सकता है, या फिर शिशुओं को गैस बन रही हो, या फिर उनका पेट फूल रहा हो तब इसका उपयोग किया जा सकता है, या फिर पेट में उनके ऐठन हो रही हो तब भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये थे इसके उपयोग। अब जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इसका जो पहला साइड इफेक्ट है वो है खुजली का होना, या फिर खुजली हो सकती है स्किन पर, या स्किन पर दाने का आ जाना, या फिर उल्टी का हो जाना, या फिर सूजन का आना चेहरे पर, या हाथ पाँव में किसी वजह का सूजन आ सकती है, या फिर शिशु को एलर्जी हो सकती है। ये इसके साइड इफेक्ट हैं, इसलिए इसको डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। इसमें कुछ सावधानियाँ भी हैं वो भी बता देते हैं। इसमें जो पहली सावधानी वो है कि अगर आप शिशु को किसी अन्य प्रकार की दवा दे रहे हैं तो इसको नहीं देना है, ग्राइप वाटर को उसके साथ नहीं देना है। अगर आपको शिशु को ग्राइप वाटर से एलर्जी है तब ये ग्राइप वाटर को यूज़ नहीं करना है। तो ये इसकी सावधानियाँ थी। अब जानते हैं अब इसके डोज़ के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो डोज़ है इसमें इंडिकेट किया गया है, तो आइए डोज़ भी देख लेते हैं। देखिए इसका डोज़ इसमें लिखा हुआ है, 1 से लेकर 6 माह तक के जो बच्चे हैं उनको 2.5 से 5 ml दे सकते हैं आप, यानी छोटा आधा चम्मच देना है। और जो 6 माह से 1 साल तक के हैं उनको 5 से 10 ml देना है, और जो 1 साल से अधिक के हैं उनको 10 ml से 15 ml देना है, लेकिन डॉक्टर के सलाह से देना, इसमें लिखा हुआ है डॉक्टर की सलाह से देना है। तो यह था दोस्तों डाबर का ग्राइप वाटर के बारे में जानकारी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।